Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 13.6, question number 2 for class 9. Question which is given, the inner diameter of a cylinder wooden pipe is 24 cm and outer diameter is 28 cm. कहने का मतलब है कि cylindrical form है, तो suppose that ये form है cylinder का, है ना? और मैं थोड़ी ये क्या है, इसकी कुछ थिकनेस है ना, इसकी कुछ थिकनेस है जिसके वजह से, इस थिकनेस के वजह से इनका जो आउटर डायमीटर है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, दैट्स वाई आउटर डायमीटर होंगे. इनर डायमीटर जो यहाँ से यहाँ तक है वो 24 सेंटीमीटर है, और आउटर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले पार्ट तक का जो है वो 28 सेंटीमीटर है. ओके, द लेंथ ऑफ द पाइप, इस पाइप का जो लेंथ है, ये पाइप है यानी कि हॉलो, ये इसका जो लेंथ है, इस पाइप है ये, है ना, का लेंथ विच इज 35 सेंटीमीटर और इसकी कुछ ना किस थिकनेस है, सपोज दैट ये है ना, तो यहाँ पे देखो इसकी कुछ मोटाई है, तो वो मोटाई के वजह से जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और आउटर यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये आउटर पार्ट तक वो 28 सेंटीमीटर है. ओके, और इसकी हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर है. हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द मास ऑफ पाइप, तो इस पाइप की वेट कितनी होगी. ओके, इफ 1 cm³ ऑफ वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम, तो उसमें जो लकड़ी यूज हुआ है वो 1 cm³ की जो वेट है 0.6 ग्राम है, तो हमें वेट बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, उसकी थिकनेस की वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो थिकनेस की वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को अगर लेस कर देते हैं तो बच क्या जाता है, बीच वाले वॉल्यूम, और वही हमारा उसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा. और उस वॉल्यूम को क्या करेंगे फिर, वो ग्राम में गिवन है हमें, 1 cm³ की वेट गिवेन है, उससे मल्टीपल करेंगे और केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे. सॉरी, ओके, तो वॉल्यूम, फर्स्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ये वुड है, वुड है ना, लकड़ी का मैं मास फाइंड कर रही हूँ, उस पाइप की नहीं, है ना. वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, हाँ सबसे पहले तो मैं रेडियस फाइंड कर लूँ, ये चीज़ हाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं इसे रब करती हूँ अभी. सबसे पहले यहाँ चूंकि हमें डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, दैट्स वाई रेडियस ऑफ आउटर इनर डायमीटर, मतलब आउटर रेडियस ऑफ आउटर पार्ट इक्वल टू विच इज डायमीटर अपॉन में 2, है ना, जिसे हम उसका रेडियस को ग्रेटर आर से इंडिकेट करेंगे. ओके, विच इज 28/2 विच इज 14 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ इनर पार्ट जिसे हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, ये हो गए 12 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड विच इज वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट माइनस में वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट. ओके, पाई आर, मैंने ग्रेटर आर लिया है आउटर पार्ट के, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर स्क्वायर एच, और एच दोनों का लेंथ जो है वो सेम ही होगा, सिर्फ हमें इसकी थिकनेस के वजह से डायमीटर अलग थे तो इनके रेडियस जो है वो डिफरेंट हो गया. अब यहाँ पे पाई और एच दोनों क्या है, कॉमन है, तो पाई एच एंड आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर
22 ऊपर में 7 मल्टीपल 35 इंटू 14 स्क्वायर माइनस में 12 स्क्वायर 7 5 25 ओके एंड 22 5 110 इंटू 196 14 14 196 माइनस में 12 12 144 ओके 110 मल्टीपल इन्हें जब लेस करोगे तो 52 आएंगे। अब इन दोनों को जब मल्टीपल करोगे तब आएंगे आपके 5720 और ये आ गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गए आपका वॉल्यूम उस जो आपका ये क्या कहते हैं कि पाइप का जो थिकनेस है यानी कि उसकी वॉल्यूम आ गई। हमें फाइंड करना है इसका उसका पूरा मास फाइंड करना है और वो भी मैं केजी में फाइंड कर देती हूँ। तो मास ऑफ पाइप इक्वल टू 5720 मल्टीपल 0.6 है ना एंड अपॉन में 1000 ओके। इन्हें जब मल्टीपल करेंगे तब आएगा 3432 अपॉन में 1000 ओके। थ्री डिजिट ये इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो डेसिमल डिजिट यानी 3 0 है तो 3 डिजिट के से लेफ्ट हो करके पुट करेंगे डेसिमल को 3 2 kg ना। उस पाइप की जो वेट होगी मास होगा वो 3.432 kg होगी। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर कर देना।